सत्यम सिद्धान्त में गुरु जी, जय सत्यम सिद्धान्त आशीर्वाद। गुरु जी, ब्रह्मचर्य को लेकर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं भक्तों के, उनमें से दो तीन बहुत अच्छे आए, मैं पढ़कर सुनाता हूँ आपको। स्वामी जी प्रणाम, मैं एक ब्रह्मचर्य साधक स्वामी उमेशनंद हूँ। मेरा आश्रम भी है और मैंने शंकराचार्य सिद्धांत के अनुसार दीक्षा ली है। सभी नियमों का पालन करके और भी संतों से मिलकर भी ये प्रश्न नहीं सुलझा पाया हूँ। कृपया मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दें। आपकी सटीक ज्ञान भरी वीडियो देखकर मेरी ये लालसा हुई कि आप दिव्य प्रेम को उपलब्ध हैं, तो उत्तर आपसे अवश्य मिलेगा। स्वामी जी, मेरा प्रश्न ये है कि अखंड ब्रह्मचर्य का सही अर्थ क्या है? क्या सच में अखंड ब्रह्मचर्य हो सकता है? अगर अखंड ब्रह्मचर्य संभव है तो इसके कितने प्रकार हैं? क्योंकि भगवानों को जो कि अजन्मा बताया गया है, वे अखंड ब्रह्मचारी होते हुए भी उनकी संतानें हैं, जैसे ब्रह्मा से सप्त ऋषि और सृष्टि, और विष्णु के अवतारों से संतान, और शिव पार्वती से कार्तिकेय गणेश, चाहे ये संकल्प से ही हुए हों, तो भी ऐसे भी तो स्त्री में बीजदान और गर्भदान हुए, जैसे राम और विशेषकर कृष्ण जी का जन्म, तब क्या अखंड ब्रह्मचर्य कैसे हुआ? जैसे महाभारत में सत्यवती और पराशर ऋषि का नाम में आपसी नियोग, जिससे वेदव्यास जी हुए, अखंड ईश्वर से भी सृष्टि हुई है, तब कैसे संभव है अखंड ब्रह्मचर्य? क्या ये एक मिथक है, सफ़ेद झूठ है, अफवाह है, या इसकी कोई अन्य अवस्थाएं हैं? कृपया आप इसे बताएं। प्रणाम सत्य साहिब जी। दूसरा क्वेश्चन ये है गुरु जी, एक भक्त का, गुरु जी स्वप्न दोष के बारे में बताएं, लगभग आज का हर युवा इससे पीड़ित है। मैंने बहुत सारी YouTube पर वीडियो देखी और अनेक उपाय भी किए, लेकिन सफल नहीं हो पाया। मैं चाहता हूँ आप इस पर अपना ज्ञान प्रकाश डालें। प्रणाम गुरु जी। तो भक्तों, आशीर्वाद के साथ, ये ज्ञान बड़ा ही गंभीर और रहस्यमयी है। अक्सर ये जो है शास्त्रों में जो उल्लेखित है, उसमें बहुत संक्षिप्त से मैं बताता हूँ सर, कि जैसे जो स्वामी जी ने जो है क्या नाम था उनका, उमेशानंद जवारा, तो इन्होंने वो लिखा, अक्सर क्या है इसकी वाकई में तीन अवस्थाएं, और उन तीन अवस्थाओं में पहला चीज़ है संकल्प सिद्धि। ठीक है, ये बात सच है कि अखंड में खंड कैसे हो सकता है। और एक जैसे कि आप देखोगे कि जिन्होंने भी वर्णन करा है शास्त्रों में, तो उसमें एक अखंड सत्ता है, अखंड सत्ता से जो है फिर ये पंचतत्व बने, पंचमहाभूत बने, पंचतत्व बने, फिर मनुष्य बना, मतलब जीव बने, सारी चीज़ें वनस्पति बनी, और वनस्पति बनते हुए फिर वो जो अमीबा बना, अमीबा से फिर जो है जीवों का उत्पत्ति है, फिर मनुष्य है, मनुष्य देवता हैं, फिर देवता से वापस जो है अखंड में। तो सवाल ये आता है फिर अखंड का अर्थ क्या है? अखंड तो कहीं हुआ ही नहीं। जो अखंड खंड हो जाए वो अखंड ही कहाँ? अखंड का अर्थ है उसमें किसी भी प्रकार का कोई गैप नहीं होना, यथा स्थिति में रहना। और इसके बारे में भी कई मत हैं कि भाई एक कुछ ने लिखा है, एक ईश्वर है, एक जीव है, एक माया है। जीव और माया ये आपस में संयुक्त होकर दुख सुख की अनुभूति करते हैं, और जो ईश्वर अखंड रहता है, जीव कभी भी ईश्वर नहीं बन सकता, एक ये मत है। तो ये मत होने पे इनके मूल तो वहाँ सवाल ही आता है कि भाई जो अखंड और जीव और माया ये अनादि होने पर भी कैसे इनका कोई तो होगा हैं? किसी ने उसको जो है इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, स्त्री पुरुष बीज, जैसे हमारी मान्यता, तो स्त्री पुरुष बीज और बीज जो है वो अखंड अवस्था है हमारे अनुसार। अखंड अवस्था का मतलब है बीज, बीज जो है वो सदा बना रहता है, और उसके अंदर और बाहर, जब अंदर से बाहर प्रकट होता है तब प्लस माइनस अर्थात स्त्री पुरुष आती, स्त्री पुरुष का परस्पर योग जो है वो फिर बीज है। तो इसलिए मुख्य थर बीज है, और इसी को निराकार कहा जाता है, बीज को, क्योंकि निराकार कोई शब्द नहीं है, सूक्ष्म, सूक्ष्म अतीत, और उसी का शब्द है निराकार। और स्थूल जो है, तो स्थूल है ये जो हमारा स्वरूप दिखाई देता, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, ये हमारे उसमें आते हैं स्थूल में। तो अब सवाल इसी प्रकार से ब्रह्म का आचरण, ब्रह्म का आचरण ब्रह्मचर्य, तो ब्रह्म का आचरण क्या है? जैसे जब बताया गया कि अखंड सत्ता है, अखंड सत्ता का मतलब है एक होना, ये सब चक्र का एक पॉइंटेड हो जाना, एक पॉइंटेड से फिर ये खंडित होता चलता है,
ये पंचमहाभूत है, उनके पंच तत्व, फिर उससे जो है जल पृथ्वी आकाश ये अग्नि वायु तत्व ये सब आकाश होने ये सारे चीज जो के फिर उन्होंने दिखाया जलचर जीव जिसमें अमीबा दिखाया गया विदेशियों की मान्यता अमीबा, और फिर जो है उससे जीवों की उत्पत्ति है और जीवों के बाद मनुष्य की, और मनुष्य जो है अपने देवत्व को उपलब्ध होता है जब अपने को जान जाता है फिर वो अखंड बन जाता। तो इसका मतलब तो हुआ अखंड सत्ता नाम की कोई अखंडता नहीं है, वो भी खंडित अवस्था है, क्योंकि अगर वो वाकई में पूरी खंड होती अखंड होती तो उसमें हमेशा वो स्थाई होती। इससे तो पता चलता है कि आज तक योगियों की स्थाई अवस्था ही नहीं प्राप्त हुई, क्योंकि किसी का भी देखो कि उसका पूर्व जन्म है, पूर्व जन्म है फिर वो उससे वापस आया है, फिर उसने नवीन जन्म लिया है, अनंत नवीन जन्म लेता रहता है, तो अखंड कहाँ हुआ वो। तो उसका मतलब वो जो वस्तु आ रहा है वो प्रकृति में भी आ रहा है, जन्म भी ले रहा है। जन्म लेने के दो कारण होते हो गए हैं, एक उद्देश्य मोटिव उसका, और एक सामान्यतर एक है योनिजत, मतलब जो हम स्त्री की योनि और गर्भ से जन्म लेते हैं, और एक है स्वयं प्रकट होना। तो स्वयं प्रकट होने की स्थिति तो कहीं नहीं देखने में आती। ये देखो अब उसका जो एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कि अगर ऐसा होता तो ब्रह्मा का या ब्रह्म से जो सृष्टि है तो ब्रह्म से सृष्टि में दिया गया है कि ब्रह्म ने अपने से सप्तऋषि पैदा करे, रुद्र पैदा करा, रुद्र को आज्ञा दी कि भाई जो है तुम जो है संतति पैदा करोगे, रुद्र की जो संतति हुई भ्रकुटी से होने के कारण वो जो है आपका थोड़ा वो हुई झगड़ालू विध्वंसक हुई, उसको मने कर दिया गया। फिर ब्रह्म ने फिर सृष्टि करी, उस सृष्टि में सरस्वती हुई, सरस्वती से को देखकर उन्होंने किया नियोग करने की इच्छा करी, सरस्वती ने कहा कि मैं तो जो है पिताजी तुम्हारी मतलब पुत्री हूँ, तुम कैसा करते हो, उसमें गिलानी उत्पन्न हुई ब्रह्म को, और ब्रह्म ने अपने फिर पाठ करे, फिर आकाश बना, पृथ्वी बनी, उजाला बना, अंधेरा बना, और फिर शत्रुपा बनाया, फिर मनु और शत्रुपा बने, मनु और शत्रुपा से फिर ये उत्तानपाद और दुनिया भर की सृष्टि आई। अभी एक थ्योरी ये है, एक थ्योरी कहीं गायत्री के साथ है, तो ये सब ऐसे लगती है जब इन्हें पढ़ने पे कि हम तो खुद ही भ्रष्ट हैं, हमारे अंदर तो भाई बहन का रिलेशन ही नहीं आता। तो हम पहले से ही अखंड, जब खंड हो रहा है तो वहीं ब्रह्मचर्य नष्ट हो रहा है, अर्थात वहाँ ब्रह्मचर्य कहाँ है, वहाँ तो सृष्टि हो रही है, बीजदान हो रहा, गर्भदान हो रहा, फिर वो अखंड ब्रह्मचर्य कहाँ हुआ। इसलिए इसमें ही सूत्र है कि अखंड ब्रह्मचर्य का जो और अर्थ, अभी मैं और पहले ये बता दूं इसकी बातों को लेकर कि जैसे पराशर मुनि है, यहाँ रहस्य छिपे में पराशर मुनि आए, उन्होंने जो है सत्वती से बात करी और सत्वती से इस महाभारत के आगे भविष्य के विषय में बताया, और उसकी मत्स्य गंधा से उसे पहले योजन गंधा बताया। अब योजन गंधा बनाया तो आप देखिए कैसा बनाया होगा, है कोई औषधि तो पिलाई नहीं, यहाँ पर रहस्य है कि कुछ क्या पिलाया क्या खिलाया, केवल संकल्प सिद्धि कि उन्होंने संकल्पित करा और उसका जो रूप है और उसके साथ रूप रस गंध स्पर्श और शब्द हैं, शब्द तो उन्होंने कहा कि ऐसा और शब्दों में वार्तालाप हुई, ये तो शब्द हो गया। दूसरा जैसे ही उन्होंने कहा होगा कि तू मत्स्यगंधा से योजन गंधा हो जा, ये शब्द होगा, संकल्प हुआ, अपने संकल्प से अपने शरीर से ऊर्जा गई और उसके अंदर स्त्री में रूपांतरित कर दिया, क्योंकि पुरुष के अंदर एक्स वाई है, स्त्री में भी एक्स वाई है, लेकिन उसकी खोज अभी नहीं है, उसे वो एक्स वन एक्स टू मैं कहता हूँ उसे, है नहीं, यहाँ है एक्स वाई, उसमें रूपांतरित हो गया, अन्यथा रूपांतरित नहीं होता। वो मत्स्यगंधा से योजन गंधा बदल गई, अब उसका रह गया अखंड जो है उसकी जो कुमारी अवस्था रहनी, तो उसके उनने प्रश्न करा था, बोले चिंता मत करो, उन्होंने अपना तेज उसके अंदर डाल दिया, अपना तेज उसके अंदर डाल दिया, गर्भाधान तो हुआ ही, बीजदान भी हुआ यहाँ और गर्भाधान भी हुआ, अर्थात उन्होंने अपने को इतना संकल्पित कर दिया, अपना जो वीर्य था वो वीर्य ओज में बदलकर ओज के द्वारा संकल्पित, संकल्प सब जगह, संकल्प बगैर कुछ नहीं है, और उसी संकल्प से अपने ओज को उस स्त्री के औरा मंडल में डाल दिया, सत्वती के औरा मंडल से होता हुआ उसके अंदर, जैसे औरा मंडल होता शरीर के बाहर, उससे वापस आया और अंदर प्रवेश करता हुआ पूरे शरीर से, और फिर वो पुनः बीज बन के उसके गर्भ में चला गया। अगर उसके हृदय में जाता जो कि दीक्षा का विषय, तो उसके अंदर दीक्षा घटित होती, आध्यात्मिकता घटित होती, जैसे कि उसके अंदर आध्यात्मिकता घटित नहीं हुई, क्या हुआ कि वो बीज संगठित होकर सूक्ष्म तत्व के माध्यम से गर्भ में पहुंचा, और चूंकि वहां विषय एक संभोग का है, नियोग बोलते हैं उसे, रमण का विषय, तो उसकी वजह से उन दोनों में किस विषय से बात वार्ता हुई थी, मैं तुझसे संतति करूंगा जो भविष्य में
जो तुम्हारा मतलब इतिहास बनेगा। तो नतीजा उसके अंदर वो बीज दान गया, उसका भी सूक्ष्म स्थिति हुई। उससे पहले उन्होंने स्त्री को ही बदल दिया, स्त्री को बदल दिया, उस लायक बना दिया जिस लायक उन्हें चाहिए था अपना बीज से अपनी संतति, जिस लायक बनाना था उन्होंने वेद व्यास अवतार पैदा कर दिया। तो उसके अंतर गया, उसके अंदर भी श्राव हुआ, प्रसव उसके अंदर घटित हुई वो चीज़, दोनों का मिक्सअप हुआ प्लस माइनस का, पुरुष का बीज और स्त्री का बीज गर्भ में। अब वो योनि से नहीं गया, ये कह सकते हैं कि योनि से नहीं गया, नहीं, वो सारे से गया है, ये ध्यान रखें। क्योंकि जब ओज शरीर से पूरे जाएगा तो नेत्रों से नहीं जाएगा, कान से नहीं जाएगा, वो संपूर्ण शरीर से सिर से लेकर चोटी तक, मतलब पैरों की नखून से लेकर सिर तक एकदम ओरा मंडल सामने वाले में प्रवेश कर जाएगा। सामने वाले में प्रवेश कर गया तो लिंग जनित वो भी योनि में कर प्रवेश करा, आँखों से यहाँ सारा शरीर, क्योंकि उन्हें दिव्य शरीर देना है, समझे, उनमें किसी विटामिन की कमी नहीं रहनी है किसी भी प्रकार का, कि भाई जिस तरीके का उन्होंने रूप रंग रस गंध ये चाहिए, तो रस और गंध और स्पर्श तो उन्होंने वैसे पैदा कर दिया था उसके शरीर को देख के, योजन गंदा से दिव्य गंदा और बना दिया। और नतीजा वो गर्भ में गया, गर्भ में बीज रोपण हुआ और रोपण होते ही उसकी गति बढ़ा दी, क्योंकि इसमें गति बढ़ जाती है संकल्प के साथ, संकल्प में गति बढ़ गई। जैसे हम कहीं जा रहे हों और स्कूटर से जा रहे हैं और हमारा वो है 20 किलोमीटर, तो हम चाहें तो उसे 5 किलोमीटर की गति से धीरे धीरे पहुँचें और चाहें पूरा उसे सौ उस पर कर दें, तो नतीजा क्या होगा, 20 किलोमीटर हमारा उतनी गति कम हो जाएगी, गति बढ़ जाएगी और वो जो है बीच की अवधि कम हो जाएगी, हम अधिक से अधिक जल्दी पहुँच जाएंगे। ये विषय है समय को घटा देना। समय वही है उसमें, जैसे अब तुम ये समय चल रहा है यहाँ भी, तो समय तो वही रहता है, उसमें तुम्हारी क्षमता है कि तुमने गति बढ़ा के संतति कर दी। संतति जो 9 साल 9 महीने लेती, वो 9 महीने लेने की जगह वो एक तरीके से 9 मिनट ली होगी या 9 सेकंड ली होगी, वो बाहर आ गया, चूंकि वो पहले से योगज्ञ मतलब योग सिद्ध है। नतीजा वो बाहर आते ही उसकी यथा योनि यथा, क्योंकि उसमें कोई उसका झिल्ली, अब जैसे मतलब आमतौर पर रिलेशन होता है, उसमें लिंग का प्रवेश हुआ और उसमें झिल्ली फटी, तो वो जो उन्होंने चीज है वो सब घटित हुआ होगा और घटित होगा अवश्यमेव गणित है ये। तो नतीजा क्या हुआ, वो सब गर्भाधान हुआ, क्योंकि गर्भ से कैसे निकलेगा, क्योंकि शरीर से थोड़ा ना निकल के आया वो, कि भाई पूरा एकदम ओज से निकल के और पूरे स्त्री के शरीर से निकल आया, ऐसा तो निकला नहीं है। वो बाकायदा एक प्रसव हुआ, प्रसव से वेद व्यास पैदा हुए और वेद व्यास ने एकदम क्षण जमीन का भूमि का स्पर्श करते ही उन्होंने प्रणाम माता। तो नतीजा क्या हुआ, इसका मतलब वो योनि की जो झिल्ली आए वो भी सब फटे हुई और उसके बाद वो निकला, और चूंकि वो संकल्पित शरीर है उन्होंने उसको दिव्य बना दिया है, तो वो नतीजा झिल्ली वापस फटाफट सब चीज यथा स्थिति को प्राप्त हो गई। यही विषय क्या हुआ, जैसे तुम ब्रह्मा का है कि ब्रह्म ने अपनी सृष्टि करी, सृष्टि कर देंगे क्योंकि उनमें एक्स वाई है, वो अपने अंदर से एक्स और अपने अंदर से वाई निकाला और वही उनका शत्रु पर मनु है और उन्होंने सृष्टि कर दी। जब वो खुद हैं, यहाँ पे हम सोचते हैं बहन भाई शब्द है, ये हमारे लौकिक व्यवहार के हैं बहन भाई शब्द, फैक्ट क्या है, जो अगर पीछे जाके देखोगे वहाँ तो कोई रिश्ता है नहीं, वहाँ तो रिश्ता है सृष्टि कर देने का, बस एक स्त्री पुरुष देने का, और स्त्री के अंदर आधा बीज, पुरुष के अंदर आधा बीज, आधा और आधा मिलके वो पूरा बीज बनता है, इसलिए बीज स्थाई है, बीज ही अखंड है, बीज ही ईश्वर है, उसके दो पार्ट होते हैं। अभी आगे संकल्प से, अब ऐसे ही तुम देखोगे विष्णु जी का, तो विष्णु जी के में नहीं दिखाई देता है, लेकिन उनके जो अवतार आए हैं, जैसे कि उन्होंने राम का दिया फल से पैदा कर दिया, ये भी संकल्प है, उन्होंने संकल्प से जो भी औषधि बनाई, फल रूपी पदार्थ प्रकट करा और वो जैसी फांक काट के दी, अब देखिए उसमें पार्टीशन हो गया है, या खीर दी तो खीर के पार्टीशन हो गए, पार्टीशन होने पर भी इसका मतलब उन्हें पता है कि इतना अंश इसमें, इतना अंश इसमें, इसमें अंश इतना, इतना चारों में बटा है नहीं, वो तीनों जो रानियों में वो चीज़ गई और जाने के उपरांत खाने के अंदर संकल्प अंदर प्रवेश कर गया, ओज जो है अंदर प्रवेश कर गया। वे रानी भी घोर तपस्वी थी, आप ये देखोगे पूर्व जन्म की वो सारी की सारी तपस्या थी, ज्ञानी महिलाएं, उनके अंदर गया ओज ने, और चूंकि विषय क्या था वहाँ भी संतति सुख होना, संतति सुख होने के कारण ही उनमें भी जैसे ही वो ओज उनके संपर्क में आया खीर के माध्यम से फल के माध्यम से, तुरंत ही उनके अंदर भी स्त्रोण का जो संभोग का विचार हुआ
और वो नहीं तो अगर संभोग का विचार ना हुआ होगा तो वो उनका बीज कैसे स्खलित हुआ, स्त्री का जो रज है वो स्खलित कैसे होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि पुरुष का ही तो जा रहा है, स्त्री यथावत है। इसलिए वहाँ पे क्या है कि जैसे ही फल दिया, जैसे ही उनके ओरा मंडल से वो चीज़ संपर्क में आई, उनके अंदर भी काम भाव की घटित हुई। तो काम भाव घटित हुआ, संपूर्ण काम भाव घटित हुआ, जैसे कि आमतौर पर होता है, नहीं मौसम है इस तरीके से जो रिलेशनशिप कर ली, तो इसमें वासना अधिक है और काम का जो पराकाष्ठा है, उद्देश्य प्रेम वो नहीं होता यहाँ आमतौर पर। उसमें तो केवल मोटिव है कि संतति कर लें, ठहर गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं है। उन्हें वो सारा ज्ञान है, वो उससे भी पराकाष्ठा को प्राप्त है, काम के दिव्यता को प्राप्त हैं, इसलिए उनके काम दिव्य काम में तब्दील होते हैं, समझे। इसी का नाम है रास लीला, रस की लीला, जो रस को जान जाए, ये विषय है, ना कि ये कि भाई नाच लिए कूद लिए वहाँ डांस हो रहा, डांस से कोई मतलब नहीं होता भाई, वो सारा विषय ही अलग है। ये भी नहीं जानते आप भागवत कौन कर रहे हैं, जो खुद गृहस्थी हैं, जिनकी संतान नॉर्मल है, हो गया जाने योग की विद्या को, वो तो बस उसमें से उठाया पढ़ दिया, जो समझ में आया बोल दिया और लोगों को नचा दिया, इसलिए उनके कोई ब्रह्मचर्य घटित नहीं है, उनके पास भी कुछ नहीं है, वो सामान्य मनुष्य हैं। सच बात तो बताऊं, एक प्रवचन करता है। अब योगियों का विषय, तो अब क्या हुआ वहाँ पे, ये चीज़ घटित हुई, ठीक ऐसे ही अब कृष्ण जी के में देख पार्ट में देखो कि कृष्ण जी के जैसी वो मतलब देवकी जो थी उसमें थी, अब यहाँ कई चीज़ें घटित होती हैं, जैसे कि अगर कंस ने देवकी को और वासुदेव को वहाँ कैद में रखा है नहीं, तो रखने पे क्या होता, अगर उसे पता है कि मुझे संतति इनकी करने ही नहीं देनी थी, चाहिए थी, तो देवकी को तो रखता उधर और वासुदेव को रखते उधर, संयोग ही ना होता। इसका मतलब वहाँ ऐसा कुछ नहीं था कि बेड़ियों में जकड़े हुए भी, उन्होंने उसे कॉन्फिडेंस था कंस को कि तू संतति कितनी कर ले, मैं मार दूंगा उसे, अर्थात तो वहाँ रिलैक्स में रह रही। अन्यथा देवकी के सामने उसकी 8 बच्चे किसी को मार दो तो मारने के उपरांत बाबू जी वो ऐसे ही गर्भ जो है ढह जाएगा, उसका डिप्रेशन प्राप्त हो जाएगा, जो भी संतति होगी उसमें डिप्रेशन का भाव आएगा, उसमें अखंडता का वहाँ तेज का भाव नहीं आएगा, ये ध्यान रखो। और ये भाई तो कहेंगे संतान ही क्यों करें, हमारे तो लड़के को मार देगा, इसका मतलब ये है कि वे कितने ज्ञानी थे और वहाँ पर फ्रीडम थी हैं, और बिलीव करते थे ऐसा मेरे से संतति होगी जो कंस को मार देगा, ये बिलीव था। नतीजा क्या हुआ कि अब हाँ देखो कि महातेज प्रकट हुआ, जो है जो विष्णु जी बताए जाते हैं या सत्यनारायण बताए जाते हैं, उन्होंने कहा कि मैं तेरे गर्भ में आ रहा हूँ देवकी, मैं तेरे से जन्म ले रहा हूँ। यहाँ पे भी वही घटित हुआ, देवकी के इतने क्या निर्माण हो रहा, क्या मत तत्काल में कृष्ण जी का डेवलपमेंट हुआ पराशर मुनि की तरह, पराशर मुनि और सत्यवती की तरह ऐसा हुआ, या वहाँ पे पहले कुछ जो है अंदर गए, विश्वकर्मा ने प्रवेश करा और विश्वकर्मा ने एक जो है क्या नाम है पिंड बनाया और उसमें सारे विटामिन्स वगैरह सब पूरे कर दिए, और जब भगवान आए और उन्होंने अपना तेज उसमें प्रवाहित कर दिया, प्रवेश कर दिया, ऐसा नहीं हुआ। हुआ यही कि वहाँ भी क्षणिक में ही पैदा हुई वो वासुदेव और उसकी संतति पैदा नहीं हुई है, वो देवकी जब उन्होंने देखा कि देवकी में ये सब चीज़ डिप्रेशन आ जाएगा 100%, तब उन्होंने भगवान खुद आए, जो भी हैं विष्णु भगवान या इस चीज़ पर सत्यनारायण, वो आए और देवकी को जैसी उन्होंने देखा लुक्मी के देख वही चीज़ पे, और मैं हूँ उस प्रकाश को देखकर, विराट स्वरूप को देखकर उसके अंदर भी विराटत्व का भाव आ गया, संपूर्णत्व का भाव आ गया, क्योंकि ईश्वर को देखने के बाद आप में जैसे देखोगे और उससे उसके ओरा मंडल में आओगे तो आपके अंदर भी संपूर्णत्व का भाव आ जाएगा, अन्यथा ईश्वर की शक्ति को झेल नहीं सकता कोई, योगी की शक्ति को झेल नहीं सकता। परिणाम स्वरूप जैसे हम आवर्त में देखते हो कि दासी क्यों तो इफेक्ट पर नहीं पड़ा, क्योंकि वो इन रिलेशन में रहती थी, उन दोनों ने आँख मूंद लिया उस तेज को देख के, एक पीली पड़ गई। सेम यहीं देवकी में नहीं हुआ, नतीजा क्या हुआ, एक क्षण के अंदर वो सारा का सारा ओज, जो संकल्प का ओज, संकल्प के साथ बीज दान, वो उसे के देवकी के गर्भ में गया, और गर्भ में होते हुए वो उनके अंदर वो उनका भी रज जो है प्रसव हुआ, रज नीचे को आया, स्खलित हुआ, और उसके संयोग से वो निर्मित हो गया। एक पॉइंट, दूसरा जो और उच्चतर पॉइंट है वो है कि वहाँ किसी जरूरत नहीं है उन्हें स्त्री के रज की, जो भी शक्ति है वो स्वयं ही प्रवेश कर गई। ऐसा रामकृष्ण परमहंस की जीवनी में भी है कि उनकी जो माता थी उनके भी ऐसी महसूस हुआ और उनके पिता को भी ऐसी महसूस हुआ,
तो यहाँ पे क्या है कि वो जो शक्ति है महाशक्ति, वो सीधी की सीधी ओरा मंडल से उसके गर्भ में प्रवेश कर गए। अब यहाँ दो थ्योरियाँ हुई हैं जो कि कोई उल्लेखित नहीं है कि एक संकल्प के बल से वो व्यक्ति ने अपना बीजदान प्लस देवकी का बीजदान करके और फिर कृष्ण जी का जन्म पैदा करा, और एक में ये है कि उसने वो स्वयं ही बिना स्त्री के केवल गर्भ में गया है और अपने को स्वरूप को समेटा है उसने बाल अवस्था में, और समेट के वो योनि से बाहर आ गया है। क्योंकि ऐसे नहीं आया कि पूरे शरीर के बाहर से निकल आया एकदम से, ओज से तेज गया और तेज से निकल आया, ऐसा नहीं है, बाकायदा वो फिर सब है। नहीं तो भैया ऐसा है, मन नाल कौन काटेगा, माँ तो मूर्छित पड़ी, तो इसका मतलब जो कृष्ण जी रूपी शक्ति उसने बाहर निकले अपनी नाल काटी, अपने गांठ मार के अपने अंदर करी, माँ की नाल अपने अंदर करी, ये कहीं तो लिखा हुआ कुछ नहीं। तो ये योगियों की बातचीत है, समझे। तो यहाँ मुख्य में जो मैं बार बार संकल्प को कह रहा हूँ, संकल्प सिद्धि ही मुख्य है ब्रह्मचर्य का साधा, संकल्प से ही सृष्टि होती है। अब क्या है, ऐसी तुम शिव जी के में सती हो या पार्वती, उन्होंने जो है अपना संकल्प करा कि मैं अपने मतलब मुझे ऐसा पति चाहिए शिव जी जैसा, नतीजा उन्होंने करा। तो शिवलिंग से मैं हमेशा कहता हूँ शिवलिंग पुरुष है, ध्यान रखें उसमें कोई स्त्री नहीं है, नहीं तो जब भी इस ओम नमः शिवाय या कोई भी पढ़ोगे तो शिव के साथ एक शक्ति आनी चाहिए थी, आज तक ऐसा नहीं हुआ शिव के साथ कोई शक्ति आई हो, शिव प्रकट होते हैं। नदिया शिव जी प्रकट हुए और मंत्र के अधीन देवता होने के कारण जो जिसकी मनोकामना वो पूरी करते थे। तो वहाँ विवाह नहीं है, वहाँ पे उन्होंने कहा कि मैं तुमसे विवाह घटित करूँगा, वो प्रेम नहीं है, वहाँ उन्होंने कहा मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ एज यू विश तथा वस्तु, ठीक है। अब उससे क्या हुआ कि वो विवाह है, उन्होंने भाई तो अब विवाह को ये तो है नहीं कि भाई कर ले ले, भाई उन्होंने कहा कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ, नतीजा जो है वो विवाह उन्होंने पूरा करा। अब चूंकि वो वरदान के फलस्वरूप है तो वहाँ शिव का जो है उनके साथ कोई संपर्क नहीं हुआ, और पार्वती ने अपने संकल्प से, अब यहाँ पे स्त्री की क्वालिटी देखिए कि उसके अंदर अगर ऐसा है तो ऋण और धन उसके अंदर भी है, एक्स और वाई, अब वो एक्स वन एक्स टू के रूप में होंगे, तो वो संतति उन्होंने प्रकट कर दी, पुत्री पैदा कर दी उन्होंने। तो यहाँ है आयुर्वेद का कि स्त्री चाहे तो वो कन्या ना होने दे, वो चाहे तो अपने संकल्प के बल से, जैसे केक्सी का उदाहरण है, कुंती का उदाहरण है, नहीं तो रावण की जगह रावणी हो जाता है, अर्जुन की जगह अर्जुनी हो जाती, तो वहाँ सब पुत्र प्राप्त हुए उन्होंने। तो ये संकल्प बल है, सारा खेल संकल्प का है। अब हम आते हैं ये यहाँ पे कुछ बातें समझ में आ गई। तो तीन स्टेप बनते हैं जब भी हम अपने को साधते हैं ब्रह्म का आचरण। ब्रह्म का आचरण पहला है ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का मतलब है दीक्षा और शिक्षा, मतलब जब दीक्षा होती है उससे हमारे अंदर देवत्व प्रकट होता है, हम ज्ञान के सही अर्थ को पकड़ पाते हैं, रट्टू तोता नहीं होते, क्या मैं शास्त्र रटे हुए, परिणाम स्वरूप हमारे अंदर देवता आती है, ज्ञान में भी देवता आती है। तो वो 20-21 साल तक जो नेचुरल प्रेशर कुकर की सीटी की भांति, जैसे प्रेशर कुकर की सीटी है खाना बन रहा है अपने आप सीटी बज के 2-3 बार में पक जाता है, तो ये जो स्वपन दोष होते हैं, क्योंकि अगर ऐसा ना हो तो आपके अंदर जो वीर्य बन रहा है या रज बन रहा है वो तो बनना बंद हो जाएगा, आपकी ग्रोथ बंद हो जाएगी, आपका उसी से जन्म है भाई, तो वो बनना नहीं बंद होगा, ये ध्यान रखो। हाँ वो अपने आप स्वयमेव, क्योंकि प्रकृति में अनंत जन्मा हो वासना से जन्मे हो, तो वासना से जन्म होने के कारण आपकी वासना आपके अंदर रहेगी, प्राकृतिक रूप से गार्जनों से चली चली आ रही है, आप सामान्य योनि से जन्मे हो तो नतीजा वासना रहेगी तो वो आपके अंदर लहर लेती रहेगी, परिणाम स्वरूप आपको अपने संभोग दृष्ट जो अनंत काल में आपने संभोग करें, अनंत काल से आप जो योगी तो रहे नहीं है, तो नतीजा क्या है कि वो आपके अंदर घटित होगा, तो आपके अंदर नेचुरल, क्योंकि लिंग उत्तेजना लेगा तो वो जो है रात में 2-1 बेल लेगा, दिन में भी ले सकता है, तो दिन में हम चेतन होने के कारण हम जो है जरा सा उस विषय पर कंट्रोल कर लेते हैं, रात में हम चूंकि नहीं कंट्रोल कर पाते तो वो स्खलित हो गई क्योंकि वहाँ वासना विषय है, सामने प्रकृति के रूप में किसी भी स्त्री को देखकर या हमने जो देखी हुई स्त्री है वो उसको देखकर अपने रिलेशन का विचार आया और वो स्खलित हो जाएगा। तो योगी क्या कहते हैं, इसके प्रति परवाह मत करो, आप सहज रहो, हो गया अपने संकल्प को सुदृढ़ करो कि नहीं नहीं ठीक है, मैं जो है अपने संकल्पित करता हूँ, मैं ये काम वासना का विचार कम आने नहीं दूंगा, आएगा टूटेगा ब्रह्मचर्य 40 दिन, अब फिर क्या हो उसमें कि मैं अब 40 दिन हो गए, आपके अंदर डर आ गया,
भय खड़ा हो गया कि अब मुझे सपना आएगा, अब मुझे काम का विकार आएगा, नतीजा जो है मैं जो है ऐसा होगा। कुछ समय के बाद अगर आप अखंड ब्रह्मचर्य की साधना कर रहे हैं, दिव्यता की साधना, ज्ञानात्मक, ऐसे नहीं वैसे ही केवल जो है मैं संसार में रह के और लंगोटा लेके खींच कर रहा हूँ, संभव ही नहीं है। सीधी सी बात है, अब इसके विज्ञान को जान के जब आगे बढ़ेंगे तो इसकी तीन अवस्थाएं, एक सामान्य जो हम अपने को साधते हैं, दूसरी प्रेम, तीसरी जो है आत्मिक स्थिति। प्रेम भी ज़्यादा देर नहीं रहेगा क्योंकि प्रेम के लिए द्वैत चाहिए, दूसरा चाहिए। क्या आदमी से प्रेम करोगे? आदमी आदमी से प्रेम करेगा? निम्न स्तर की बातें हैं ये, यहाँ वासना है। अब चाहे हम वासना स्त्री में करो या पुरुष में करो, दूसरी जो स्त्री स्थिति है प्रेम की, प्रेम जो है वो द्वैत है, एक दूसरे में, या तो मैं उसमें समा जाऊँ या वो मुझे में समा जाए। नतीजा ये किस स्तर पर घटित है? पहला प्रेम घटित होता है, ये जो वासना घटित होती है तन पर घटित होती है, दूसरी मन पर घटित होती है, प्रेम का विषय मन, इच्छा पर है नहीं, और ये किस पे? ज्ञान पर। तीसरी जिसे डिवाइन लव बोलते हैं, अपनी आत्मिक स्थिति को प्राप्त हो जाना, फिर किस संकल्प के बल से जाना, वीर सब जगह रहेगा, वो ओज में बदल के और संकल्प में बदल के, शुद्ध संकल्प में आप केवल जो भी अपना अवतार लोगे या जो भी कुछ करोगे वो आपके संकल्प से ही घटित होगा, उसमें किसी क्षरण का नहीं है, हर बीज का हर अंश वो आपका बिल्कुल परफेक्ट होगा, उसमें ये प्राकृतिक घटित नहीं होना, प्राकृतिक वेस्टेज नहीं होगा कि आपका वीर्य वेस्ट हो जा रहा, आपका रज वेस्ट हो रहा। ये पहली अवस्था पर, वासना की स्थिति पर, तन की स्थिति पर, मन की स्थिति पर कौन सा घटित होगा? प्रेम। प्रेम में भी घटित होता, प्रेम में भी स्खलन है, राग है, वैराग है, अशांति है, विरह है, वेदना है, ये सब यहाँ भी घटित होते हैं। तब जब हम आलिंगन युक्त होते हैं प्रेम में, जैसे मोहिनी को देख के शिव जी हो गए और स्खलित हो गए क्योंकि तन का स्तर, विकार का स्तर आ गया, उससे फिर हनुमान जी का जन्म है। तो ये सब विषय हैं, इसमें बड़े गहरे, उसको सबको ध्यान में रख के तब हम तन में संकल्प घटित करेंगे, अपना हो गया हो गया, और उसमें ही लंगोटे का इस्तेमाल आता। अब उससे कहेंगे लंगोटे का इस्तेमाल कहाँ है? ये लंगोटे का इस्तेमाल यहीं पे है। ये केवल कुछ नहीं, दो कामों के लिए हों, दो कामों के लिए हों, ये एक पहलवानी के लिए और एक हम अपनी इंद्री को वश में कैसे करें, ये बांधने के तरीके तो आप कहीं भी देख लोगे, सीख लोगे, है नहीं, इसे फिर बता दूंगा। तो क्या होगा कि उससे हमारी इंद्री दमन होती है, अनावश्यक किसी बिस्तरे पे करवट लेने से, रगड़ से, वो हमारी इंद्री का जो तनाव है वो बढ़ेगा नहीं, नतीजा जो है हम शीघ्र जागृत हो जाएंगे क्योंकि उसमें संघर्ष घटित होता है कि लंगोटा ऊपर से बंधा हुआ इंद्री पे, प्रेशर के कारण जब वो खड़ी होने की कोशिश कर रही है तो नतीजा हम उसे दाबने के कारण हमारी चेतना शक्ति जल्दी जागरूक हो जाएगी, हम बाहर आ जाएंगे उस स्वपन से, ये विषय, और संकल्प हमारे अंदर सुदृढ़ होता चला जाएगा। तो हम मन के स्तर पर आ जाएंगे, मन के स्तर पर प्रेम में आएंगे, प्रेम के स्तर पर भी प्रेमिक रूपी के रमण घटित होगा, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, मतलब किसके साथ घटित हो रहा? राधा के साथ, अर्थात जिसको आप प्रेम के रूप में मान रहे हो, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण में रमण कर रहे हैं, कृष्ण जी सूरदास में रमण कर रहे हैं, सूरदास उसमें रमण कर रहे हैं, मीरा कृष्ण में रमण कर रही है, कृष्ण को अपने कल्पना से जीवित करने के बाद उसने जो है क्या क्या करते उनसे रमण, यहाँ रमण चल रहा है। और रमण में क्या हुआ? एक है कि मैं अपने अंदर समाहित हो जाऊं, जैसे चैतन्य जो है उसमें समाहित हो गए, मीरा समाहित हो गई। प्रेम तो बहुत उच्चतर है, इससे भी उच्चतर अवस्था है। जबी तो ये मैं कह देता हूं कि ये सब सेकेंडरी ग्रेड पर थे, मीरा हो चैतन्य हो, ये सब सेकेंडरी ग्रेड पे, जो सेकेंडरी फर्स्ट ग्रेड है, टॉप ग्रेड है, वो स्वयंभू अवतारवाद है, उसके अंदर सब घटित होते हैं, वो किसी के अंदर घटित नहीं करता, वो अपनी इच्छा से सब जगह घटित कर सकता है, समझे। तीसरा ज्ञान में बस ऐसे अवतारवाद आता है, वो फिर उसी को बोलते हैं आजन्मा, मतलब ऐसा नहीं है कि उसका जन्म नहीं हुआ, जन्म हुआ है, उस रहस्य को जान चुका, फिर उस अवस्था को प्राप्त कर चुका और फिर वो संकल्प से करता है। तो इसमें सब में वीर्य रज अपने सामान्य तौर का पदार्थ के द्वारा जाना, वीर्य रज का, और फिर रमण के माध्यम से ऊर्जात्मक जाना और उसमें क्षरण होना, एक में संकल्प के जो सिद्धि है योगी की, ज्ञानी की, आत्म साक्षात्कारी की, उसके विषय में भी जब द्वैत है वो अपनी सृष्टि करेगा, तो नहीं तो सब थम जाएगा, कुछ नहीं रहेगा, आर्टिफिशियल हो जाएगा सब, जगत नाम की कोई वस्तु नहीं रहेगी, कोई ईश्वर ईश्वरत्व नहीं रहेगा, स्वयं भी नहीं रहोगे। जब तक स्वयं की उपस्थिति है आत्म साक्षात्कार में भी, तब तक स्खलन है, ये ध्यान रखो। इसलिए वो थ्योरी है कि अखंड से पंचभूत
मतलब पंचभूत, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, पृथ्वी जल अगेन वायु आकाश, और फिर ये है तत्व ज्ञान का। तो ये सब स्खलन है। तो तुम्हें समझ में आई हो बहुत सी चीज़ें यहाँ पे। तो इस संकल्प को बढ़ाओ। तो जो हम संकल्प कर दे, भाई हाथ पैर मुँह धो के सोए, बैठ के जो हमने जो किसी के भगवान का नाम लिया, गुरु का स्मरण करा, उससे हम अपने उस वासना जगत को छीण कर रहे हैं। छीण का अर्थ करना नपुंसकता को प्राप्त होना नहीं है। जब आपको जरूरत होगी, जैसे भगवान राम को हुआ सीता से, तो नतीजा संतति सुख पैदा करी, दो हो गए। अब उन्होंने बीज दान करा तो उन्होंने या तो दो बेर संभोग करा, या फिर एक ही में से उनके दो हो गए, पुरुष हो गए। कृष्ण जी वर्धमान हुआ हैं रुक्मणी से, तो यहाँ घटित हैं। तो ये सब विषय हैं, इसलिए उन्होंने कहा गया कि वो भोग में भी योगी है और योग में भी भोगी थे। अर्थात उन्हें योग का रहस पता है और भोग का रहस पता है, उतना ही क्षरण होगा। तो उसका मतलब ये नहीं बहुत छोटा सा एक बीज दे दिया, नहीं, बीज जाने से और उनके चीज से प्रकृति में सब रहेगा। जब वो प्रकृति में जन्म लेती हैं तो प्रकृति सारी घटनाएं उनके साथ होंगी, लेकिन वासना उनके अधीन होती है, वे वासना के अधीन नहीं होती। ये फर्क है, समझे। हमें वासना से संघर्ष कर रहे हैं, तो संघर्ष को त्याग कर ज्ञान को पकड़ो और संकल्प को सिद्ध करो। जब नियमित ही क्रिया योग करोगे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर अपने में, तो ये स्वयं संतुलित हो जाएंगे। आपके जितने चक्र हैं, जो सामर्थ्य हैं, वे संतुलित हो जाएंगे और आप एक अखंड ब्रह्मचर्य को प्राप्त हो जाओगे, लेकिन खंडित होते हुए ही प्राप्त होगे। तो इसलिए भय ना करें कि खंडित हो गया मैं, अगली बार फिर और तैयारी करोगे, फिर और, फिर और, फिर प्रेम की अनुभूति होगी। आप सही अपनी पत्नी या प्रियसी से सही रूप का प्रेम कर पाओगे, वासनात्मक नहीं रहेगा। और फिर द्वैत से अद्वैत अवस्था को, मैं और मेरी प्रियसी या प्रियसी और मैं एकाकार हैं, इस अवस्था में रहोगे। एकाकार भी ज्यादा अवस्था नहीं रहे, जब भी तो कहा गया कि शून्य था, शून्य था, चेतन था, बीज था, उसे पुनः सृष्टि हुई, पुनः पुनः सृष्टि होती रहती है, यही अनंत है। तो इसी के साथ फिर कोई सवाल होगा, जवाब मिल गया होगा आपको, और नहीं होगा तो फिर मुझसे पूछ लेना। इसी के आशीर्वाद के साथ जय सत्यम सिद्धाय नमः।